नमस्कार, हम हैं जीत कुमार और तो चालू कर दिए भैया रन का बहार वाला कार्यक्रम। ये देखिए, रन का बहार आप सुने हैं, लेकिन रन का बरसात रात के मैच में देखने को मिला? नहीं देखे हैं आप? तो चलिए आज हम बता ही देते हैं टोटली टोटली कि क्या हुआ रात के मैच में, केकेआर और ये पंजाब वाला मैच में। हाँ, गजब हाल है भैया, गजब हाल है। चलिए बात कर लेते हैं पहले कलकत्ता से ही। हाँ, वही मतलब कलकत्ता से बोले तो केकेआर से। केकेआर बैटिंग करने पहले उतरे और साल्ट, हाँ और एक बार फिर से सुनील नारायण इफेक्टेड साबित हुए भाई। 71-75 का आंकड़ा उन लोगों ने बनाया और बढ़िया खेला। हाँ, बढ़िया खेला, बस यही गलती उन लोगों ने कर दिया कि चौका ज़्यादा मारा और छक्का। देखिए वो मतलब अजीब हो गया है ना आजकल के क्रिकेट में, अगर भैया छक्का आपका मारने के पास पावर है, ताकत है, तभी आप मैच जीतिएगा। अन्यथा आप 300 रन बना दीजिएगा ना चौका मार कर, तब फिर भी मैच आप हार जाएगा। कहें कि सामने वाला वो क्या बोलते हैं बैटमैन से पास छक्का मारने का ताकत है, खाना पीना खा कर आया है और खाया हुआ मतलब आदमी भैया छक्का तो मार ही लेगा ना। बस वही ये बात हुआ है यहाँ पर। मतलब आज का मैच बताते हैं, जो रात वाला मैच हुआ है ना, रिकॉर्ड तोड़ मैच हुआ है। मतलब आज तक हिस्ट्री में कभी 250 रन प्लस चेस नहीं हुए थे ना पीछे से बनाते हुए। कौनो कौनो टीम नहीं बना पाई थी पीछे से बनाते हुए, हर बार घुटना टेक देती थी, जाते 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 10-5 कुछ भी हो लेकिन हार जाती थी। लेकिन मतलब 8 गेंद और 8 विकेट रहते हुए, 8 गेंद और 8 विकेट रहते हुए कोनो टीम अगर मैच जीत जाए तो सोचिए, अगर कोनो जना पहले खेलते हुए रिकॉर्ड बनाए हैं तो उनका रिकॉर्ड भी खतरे में था। वो तो ठीक था कि ये लोग कलकत्ता वाले लोग अधिका रन नहीं बनाए थे, न तो हैदराबाद का पूरा रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया होता। हाँ, कहें कि हैदराबाद का इससे पहले का रिकॉर्ड है भैया 22 छक्का मारने का, और पंजाब ने मारा मालूम है 24, भैया 24 छक्का मारा है। हाँ, 24 छक्का मारा है और यहीं पे केकेआर चुक गया है, क्योंकि केकेआर अपनी पूरी पारी में मात्र 18 छक्के मारे हैं और बस 18 ओवर 4 गेंदों में पंजाब ने 24 छक्के मारे हैं। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, जोड़ लीजिए आप रन ना, जोड़ लीजिए, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। और देखिए ना, जॉनी बेस्टो, जॉनी बेस्टो का कमाल का मतलब कमाल के दिन उनका फॉर्म आया, पूरे मैच में फ्लॉप थे भाई, मान गए। मतलब भैया इंग्लैंड वाले सब ना गजबे टाइप के आदमी हैं, जब मेन मौका सो का आएगा ना तो ससुरा सबको वहाँ पर क्या बोलते हैं वो, मतलब याद आ जाता है कि अरे हम तो पहले ऐसे मैच खेलते थे। बस जॉनी बेस्टो को वह वाला काम हुआ, 9 छक्का मतलब छक्का मारा भाई ने और 8 चौका, मतलब पूरा धागा खोल दिया। बोलते हैं ना कि एकदम गेंद का धागा खोलना जॉनी बेस्टो ने कर दिया। महज एक सुनील नारायण ही थे जो 6 के रन रेट से बस रन दिए हैं अपने 4 ओवरों में, अन्यथा सारे के सारे गेंदबाज पेले गए, वो भी 15-20 के स्ट्राइक रेट से। हाँ, 15 के 20 के 18 के इस तरह के स्ट्राइक रेट से पहले गए थे। तो भैया पंजाब, पंजाब का माल है, और परसिमरन सिंह, पंजाब के परसिमरन सिंह भैया इंपैक्ट प्लेयर में आए थे और का इंपैक्ट छोड़ गए थे। हाँ, मतलब जितने लोग खेले, थोड़ा सा अगर रायली रूसो की बात किया जाए तो थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने भी छक्का जड़ा। हाँ, उन्होंने भी छक्का जड़ा, लेकिन बाकियों ने जो काम किया उसका कोनो तोड़ जोड़ नहीं है ना, कोनो तोड़ जोड़ नहीं है भाई। तो फाइनली इस तरह से पंजाब अगर देखे तो पंजाब को अब फुल इज्जत चाहिए। उन्होंने बताया, हे हैदराबाद, हमें भी फुल इज्जत चाहिए और हम भी बन सकते हैं हाईएस्ट स्कोरर, तो आप घबराओ मत, अब देखते हैं अगले वाला मैच में होता क्या है। तो आज दिल्ली, आज दो दो मैचें हैं, देखते हैं आज क्या होता है, आज किसका रिकॉर्ड टूटता है। तो बस इतना ही, देखते रहिए रन के बाहर वाला निश्चित भोजपुरी वाला ही कार्यक्रम। बाकी राम जी।